नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। महगांव, शनिवार को महगांव कांग्रेस सेवा दल द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के 51वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में शासकीय अस्पताल महगांव में मरीजों एवं उनके साथ आए परिजनों को फल वितरित किए। इस अवसर पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर शर्मा कल्लू ने कहा कि राहुल गांधी देश का भविष्य हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा कोरोना महामारी में कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। डेढ़ वर्ष में कोरोना से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई और कई परिवार बर्बाद हो गए। इस समय जो सरकार का दायित्व था वह सरकार ने नहीं निभाया। हमारे नेता राहुल गांधी ने डेढ़ साल पहले ही कहा था कि सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए, मगर सरकार ने उनकी बातों को अनदेखा किया। इस दौरान सेवादल उपाध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश कुमार मौर्य, जिला कांग्रेस कमेटी सचिव मनीष शिवहरे, जिला अनुसूचित जाति मोर्चा उपाध्यक्ष धनीराम पप्पू, विकास चौधरी, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष जबर सिंह कुशवाहा, रशीद खान ने भी अपने विचार व्यक्त कर अपने नेता को जन्मदिन की बधाई दी। नमस्कार, आपका परिचय ब्रजकिशोर शर्मा कल्लू, सदस्य जिला पंचायत उपाध्यक्ष। हमने जो आज कार्यक्रम रखा है आज भी हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के का जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर हमारे जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुजय कुमार और मनीष हमारे और इनके साथी सभी लोग हैं राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर अस्पताल में आकर के बड़ी फल वितरण का आयोजन किया और राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम संपर्क आ गए। गरीब के लिए अच्छा सबसे ऐसा कार्य होना चाहिए। सर जी, जन्मदिन के उपलक्ष्य में कि आगे भी चली कभी सेवा दल लगातार 2 महीने से जब से कोरोना का लॉकडाउन हुआ है तब से प्रदेश कांग्रेस सेवा जिला कांग्रेस सेवा दल ऐसा एक दिन भी नहीं होगा कि जिससे कृषि राशन सामग्री हर गाँव में जा रही है। खबर समय जगत के लिए महगांव से जितेंद्र दंडोतिया की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।